एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश का एक अगला जिला जिसका नाम है अशोकनगर। देखो हम सभी जिलों की तरह इस जिलों की जो आपने ट्रिक बनाई है वो उन्हीं के वर्ड से संबंधित है। अशोकनगर की ट्रिक देखो, पीछे के तीन वर्ड ले लिए नगर, ठीक है। अब आप कह रहे हो बोले नगर में कायदे से चंदा नहीं मांगना चाहिए, सही बात है। बोले नगर में ऐसा नहीं चलता है, बोले उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उन मुंगाओं को जेल भेज देना चाहिए। क्लियर है, क्या कहोगे? बोले नगर में कायदे से चंदा मांगना नहीं चाहिए, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उन मुंगाओं को जेल भेज देना चाहिए। भैया नगर में पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो क्या चंदा बंदा थोड़ी ना देंगे, ठीक है। कायदे से क्या बना? कदवाया कच्चा पाट पंच से संबंधित है। चंदा से क्या बना? यहाँ चंदेल मठ। क्लियर है। कड़ी से क्या बना? कड़िया माता मंदिर का, कड़िया माता का मंदिर है। कई लोग कई बुकों में डाटा मिलता है, कई जगह पर पढ़ने को मिलता है कड़िया माता मतलब करीला माता मंदिर, ठीक है, तो दोनों देख लेना। मुगावली मुंगा से क्या बना और जेल से क्या बना? बोले मुगावली अशोकनगर में है जहाँ एमपी की खुली जेल। क्लियर है। अब आगे आप देखते हो गए बोले नगर चमकता है। क्लियर है, नगर में पूरी लाइटिंग ही लाइटिंग रहती तो नगर चमकता है, मणि भी चमकती है और नगर झकता भी है। आप देखो गांव में 8 बजे सो जाते हैं और नगर में आप तो पूरी रात रात भर चालू रहता है, तो क्या रहा? नगर झकता है। तो नगर से क्या बना? अशोकनगर। मणि से क्या बना? सीतामणि मंदिरों का समूह चंदेरी में, चंदेरी कहाँ आता है? अशोकनगर में। जागने से क्या बना? जोगेश्वरी का मेला भी कहाँ लगता है? चंदेरी अशोकनगर, ठीक है। आगे अब आप देखते हो गए कई लोग ऐसे बात करते हैं बोले नगर में यार इस कॉलोनी में तो बहुत परम आनंद है, ये कॉलोनी बहुत अच्छी विकसित हुई है, ठीक है। तो क्या कहोगे? बोले नगर में ईसाइयों का गढ़ है, मतलब ये कॉलोनी में ईसाइयों का गढ़ है, वहां पर क्या है? परम आनंद। तो नगर से क्या बना? क्या अशोकनगर में ईसागढ़ है जहाँ पर आनंद से क्या बना? आनंदपुर साहिब की स्थापना परम से क्या बना? परमहंस दयाल जी ने की थी। क्लियर है। अगला मैं महलों के टॉपिक में भी पढ़ा चुका था कि चंदेरी में नौखंडा से हवा आती है। क्या कहोगे? चंदेरी में नौखंडा से हवा आती है, धोबन ने खूनी दरवाजे पर जोहर कुंड देखा। धोबन ने खूनी दरवाजे पर क्या देखा? जोहर कुंड। चंदेरी से क्या बना? चंदेरी में। नौखंडा से क्या बना? नौखंडा महल है। हवा से क्या बना? हवा महल है। धोबन से क्या बना? धोबन मठ है। खूनी से क्या बना? खूनी दरवाजा है, जोहर कुंड है। क्लियर है। आगे जब हम सिल्क हस्तशिल्प के टॉपिक में भी पढ़ा चुके हैं कि चंदेरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। आगे मखमल उद्योग के लिए, साड़ी से ही मखमल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे नगर में देखता हूँ, आप देखते होगे आप किसी नगर में रहते हो तो बोले इस नुक्कड़ पे ये मंदिर, इस नुक्कड़ पे ये देवता, इस नुक्कड़ पे ये देवता, तो बोले नगर में देवताओं का गढ़ है। क्या कहोगे? नगर में देवताओं का गढ़ है। तो देवगढ़ का किला कहाँ बना? अशोकनगर में, ठीक है। जब हम नदियों का टॉपिक पढ़ाते हैं तो वहाँ बताते हैं कि अशोकनगर में कौन सी नदियाँ हैं? पार्वती और बेतवा। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो जिससे आपको अगले वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।